जी मुझे बताएं कि कितना अच्छा हो गया आपको यहाँ पर खाते हुए, और इनके चिकन पीस में ऐसा क्या स्पेशल है कि आप यहाँ पर खाने के लिए आते हैं? हमें काफ़ी अच्छा हो गया, इधर से हम खाते हैं, आते हैं इधर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे जो खास बात ये है कि ये बटर में पकाते हैं, खास बटर है इनका, खालिस है, जो चीज़ खालिस है, अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, मेयार है, एक लेवल है वो जो अरसे से इनका कम नहीं हुआ है। हम उस वजह से इधर आते हैं और इधर खाते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है इधर दोस्तों के साथ, अक्सर इन्जॉयमेंट के लिए इधर आते हैं हम। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट है, 2 साल हो गए मुझे तकरीबन इनके पास आते हुए, और मेरे काफ़ी दोस्त भी आते हैं। और दूसरों से ये डिफरेंट है कि खाने के बाद जो जलन वगैरह होती है वो नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह मेयार है इनका, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ से खाना खाते हुए, बहुत अच्छा महसूस होता है, और दोस्तों को भी यही कहते हैं कि यार यहाँ से आप विज़िट करें, खाना खाएँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, और मतलब एक अलग ही अंदाज में बनाते हैं बटर में। एक तो इनका जो है ना वो टेस्ट डिफरेंट है, दूसरा ये जो बटर में करते हैं ना ये हमने पहले नहीं कभी खाया, फर्स्ट टाइम ये हमने खाया और लाजवाब है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए जब भी इधर से गुजरता हूँ ना गाड़ी पर अपनी, तो इधर से ज़रूर घर वालों के लिए और ख़ुद के लिए भी लेके जाता हूँ। इनका टेस्ट माशाल्लाह सब इधर शहर से डिफरेंट है बिल्कुल ही, बहुत मज़ा आता है, ये बटर में फ्राई करते हैं तो अच्छा खासा टेस्ट है इनका। जी तो यहाँ पर जो है वो चिकन पीस आ चुका है, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू जो है वो आ रही है, और बर्दाश्त मतलब रुका नहीं जा रहा, दिल कर रहा है जल्दी से खा ले, तो मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। और रोटी जो है ना वो आप देखें, पहले सबसे पहले रोटी देखने में बहुत मज़ेदार लग रही है, हम जो है इसे खाते हैं, और काली मिर्चों में जो है इसे तैयार किया गया है, और अंदर मक्खन जो है वो डाला गया है, तो हम जो है ओहो क्या बात है, बहुत मज़ा, वाकई में बहुत ही मज़े का टेस्ट है। मक्खन के अंदर जो उसे फ्राई किया गया है, जो मसाले लगाए गए हैं, काली मिर्चों में जब भी कोई गोश्त वगैरह तैयार हो ना तो उसका तो एक अलग ही टेस्ट होता है, मैं कहता हूँ ओहो कमाल है यार। आप देखें कि किस तरह से इन्होंने उसे पहले बारबेक्यू किया है, उसके बाद उसे काटा है, उसके पीसेस छोटे छोटे करके उसे जो है वो एक फ्राई पैन में डाल के उसके ऊपर मक्खन डाल के जो है उसे वहाँ पर बनाया है, मैं कहता हूँ ओहो कमाल कर दिया। बहुत ही मज़ेदार है, लाजवाब। आप नीचे देख सकते हैं मक्खन जो है ना वो किस तरह से है, हम ना ज़रा मसाला जो है ना वो लगाते हैं नीचे से थोड़ा, ओहो हो सही जो है ना वो मक्खन, इसमें ऑयल देखें आप, ये खाएं और इंजॉय करें। मज़ा आ गया, 200 रुपये में जो है ना आपको यहाँ पर एक पीस मिल जाता है जो कि लाजवाब है, और वाकई अभी हमने लोगों से बात की और लोगों ने कहा कि जो एक बार खाएगा वो दूसरी बार यहाँ पे लाजमी आएगा, तो खा के वाकई पता लग गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गुजरांवाला आऊँगा तो मैं जो हूँ इसे यहाँ पे लाजमी खाने वाला हूँ। आप लोग भी यहाँ पर आएँ तो इसे टेस्ट करें, और क्या ही बात है यार, यार ये जो नीचे ऑयल है ना जो मक्खन से निकला है, ये जो इस पर लगा के खाने का ना एक अलग ही टेस्ट और एक अलग ही मज़ा आ रहा है। मैं इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना मज़ेदार है, लाजवाब है ये। वैसे हम रोटी के बगैर भी ना इसको ज़रा खा के देखते हैं, ओहो बहुत ही मज़े का और एक डिफरेंट टेस्ट, गर्म भी है, धुएं जो है वो फुल टाइम निकल रहे हैं, है भाई यार क्या ही बात है इसकी, मैं कह लूँ मज़ा ही आ गया।
बहुत ही ज़बरदस्त है यार।